अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट बगैर नंबर के और बगैर रियल जीमेल के अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये मुमकिन है, बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बगैर नंबर के और फेक जीमेल के साथ एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और ये भी तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह फेक फेसबुक की अनलिमिटेड आईडी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट 2 मिनट में आप अपना फेसबुक का फेक अकाउंट बना सकोगे। फेक फेसबुक आईडी की जरूरत उन लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है जो अपने फेसबुक पेज को शेयरिंग देते हैं। शेयरिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा आईडीज की जरूरत होती है। आईडीज बनाने के लिए तो आपको नंबर चाहिए होता है या उसके लिए एक रियल जीमेल अकाउंट चाहिए होता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हर के पास इतने ज्यादा नंबर होंगे या जीमेल होंगे, तो इसके लिए फेक जीमेल यूज की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपने किस तरह फेक जीमेल को यूज करके एक फेक फेसबुक आईडी क्रिएट करनी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां जाके आपको मैं सारा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आके यहां से ओपन कर लेना है फेसबुक ऐप को। अपने प्रोफाइल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना है, थोड़ा इसको ऊपर की तरफ स्क्रोल करना है और यहाँ लॉग आउट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। लॉग आउट करने से पहले आपने ये श्योर कर लेना है कि आपको इस फेसबुक आईडी का पासवर्ड मालूम है। अगर आपको इसका पासवर्ड का पता नहीं है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड कैसे देखना है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड आसानी से देख सकोगे। अपना फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड है उसको सेव करने के बाद आपने लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉग आउट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, इस तरह ये मेरी फेसबुक लॉग आउट हो चुकी है। क्रिएट न्यू अकाउंट है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि नया अकाउंट बनाना है तो इसलिए गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ मैं फर्जी कोई नाम भी दे सकता हूँ, फर्स्ट नेम दे दिया और सर नेम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ देना है, यहाँ आपने अपनी एज इंटर करनी है और ये याद रखना है कि आपकी उम्र यहाँ 18+ होनी चाहिए, 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ अपनी एज सेट कर देता हूँ। डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के बाद सेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मुझे बता दिया गया कि आपने कौन सी एज सेलेक्ट की है और आप इस वक्त कितने ईयर ओल्ड के हैं। उसके बाद यहाँ मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यह मुझे बताना है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, तो यहाँ मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मुझे नंबर के लिए कह रहा है, तो मैंने नंबर के ऊपर तो बनाना नहीं है, फेक आईडी बनानी है, तो साइन अप विद ईमेल एड्रेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये नीचे जो लिखा है साइन अप विद ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ मुझे एक जीमेल इंटर करनी है, यहाँ मैं एक फेक जीमेल इंटर कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ मैं एक 6 अंक का पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लिया है और नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो मैंने अब तक इंफॉर्मेशन दी है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आई एग्री के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ फेसबुक की टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद मेरा ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ मुझे अपनी पिक्चर ऐड करनी है, ऐड पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने एक पिक्चर सिलेक्ट कर लिया है। अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं ये चेंज पिक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं दूसरी पिक्चर भी यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ डन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। टर्न ऑन कॉन्टेक्ट अपलोडिंग टू फाइंड फ्रेंड्स फास्टर। अगर ये टर्न ऑन कॉन्टेक्ट टर्न ऑन कर देते हैं तो आपकी ये पोस्ट आपके मोबाइल में जो नंबर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास ये आपकी पोस्ट जल्द से जल्द जाएगी। तो मैं इसे टर्न ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, ऐड फ्रेंड्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एक फेसबुक आईडी क्रिएट हो चुकी है। ये 3 लाइन जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी फेसबुक की आईडी क्रिएट हो चुकी है। अपने नेम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अगर मजीद कोई सेटिंग करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहा,
मैं इसे बैक चलता हूं, ऐड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अगर और अपनी प्रोफाइल के बारे में कुछ एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बगैर नंबर के, बगैर रियल जीमेल के एक फेसबुक का फेक अकाउंट क्रिएट करके दिया है। इस मेथड को फॉलो करते हुए आप जितनी अनलिमिटेड फेसबुक की आईडी बनाना चाहें आसानी से बना सकोगे। अगर आपको फेक जीमेल का अकाउंट बनाना नहीं आता तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वो वीडियो देखकर सिर्फ 2 मिनट में आप फेक जीमेल का अकाउंट भी बना सकोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।